सकते कितना भयंकर रास्ता है भाई। अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, नीचे पूरा खाई है। पहले से गिर, पहले भी आवाज आ रही थी। ऐसी फीलिंग है ना, फोन में ऐसे बता के भी वो जाहिर नहीं हो सकती। बोलते आधा घंटा जय बोले। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और गिर गए तो नीचे खाई, बिल्कुल खत्म। व्लॉगिंग करने को भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोन गिर गया हाथ से। दोस्तों हम हैं यहाँ पे तंगलिंग विलेज। ये देखो किन्नर कैलाश यात्रा 2020। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दी जाएगी। और ये हमारे दोस्त मिस्टर सुशांत, सुशांत नेगी फ्रॉम अन्नी जुले। देख सकते हैं हम बैठे खाना खाने के लिए और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट। और फाइनली हम खाना खाने के बाद जाएंगे, अपना यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा शुरू, पहले दिन की यात्रा। यस, आप एक्साइटेड हैं? आप हमारे साथ? आप एक्साइटेड हैं? बहुत। मैं भी। आप एक्साइटेड हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप नहीं होंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं जब आपको जाएंगे। यस यस। गाइज वो है बारंग विलेज और वो पार है रली और ये दाखो ऊपर कल्पा एंड इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे रिकांगपियो। और ये रास्ता कैलाश के लिए। हम पहुंच गए इस जगह में और आप देख सकते हैं बिल्कुल चढ़ाई ऐसी खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी भाई। मैंने ना सुना था सिर चढ़ाई बहुत खतरनाक है, मुझे लगा था कि हाँ मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं चल लूँगा अच्छे से, बट सच में मैंने खुद देखा ना, अलग ही चढ़ाई है कसम से, है ना? सही में अगर हम ऊपर देख रहे हैं ना, हमारी एनर्जी लेवल भी वैसे डाउन हो रही है और वो कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है थोड़ा। सही में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई कसम, ऐसे तो नहीं सोचा था कि इतना कठिन होगा, मुझे लगा था कि हाँ चल पहुंच जाएंगे। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, कितना भयंकर रास्ता है यार। हम गणेश पार्क पहुंचने वाले, ऐसे लग रहा है। छोटे से लगे हुए, धूप लगी हुई है, बादल कितने सुंदर हो रहे हैं। सतलुज चुके थे गणेश पार्क। अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 1:48 और हम आगे, मतलब हम बहुत थक गए थे, फिर हमने खाना पीना खाया और वैसे जल्दी सो गए थे। पानी अब ओ पानी कहाँ से लेना है? ठीक है चलो, तो अभी उठे 1:30 और हाथ मुंह धोया, ब्रेकफास्ट लिया आंटी से और बस चल पड़े अपनी यात्रा के लिए। दोस्तों जा रहे सारे, देख सकते हैं आप ऊपर भी लाइट है और अपने सुशांत भाई। हेलो हेलो। चल
सकते कितना भयंकर रास्ता है भाई। अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, नीचे पूरा खाई है। और ये पार है, वहाँ पे गुफा है। बहुत ही भयंकर रास्ता का समझे। पहले से गिर रहे, पहले भी आवाज आ रही थी उधर उधर इस पहाड़ में सामने वाले। जय श्री शंकर। अरे देख सकते हैं यहाँ पे आते हुए ना, मेरे को ब्रह्म कमल की खुशबू आई, बहुत अच्छे अच्छे। अरे ये देखो मुझे ब्रह्म कमल मिला है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है इससे। शिव शंभु मेरे नाथ, बस और थोड़ा ही रहा है। अभी पार्वती कुंड पहुँचने वाले, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलेंगे आगे के लिए। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पूरा पत्थर पत्थर वाला इलाका है, और वहाँ से ना ऊपर से स्लाइड हो रहा था, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, आवाज़ आ रही थी सुबह। और हमको चढ़ना है वहाँ से ऊपर डायरेक्ट उधर, उसके पीछे है कैलाश। पहुंच गए पार्वती कुंड, और यहाँ है पार्वती कुंड। बोल साचे दरबार की जय, बोल गौरी मैया की जय। महादेव पार्वती कुंड, ये जो भी दिख रहा है ना चट्टाने, ये चट्टाने तो है बट इसके नीचे ग्लेशियर है। अब सोचो कितने पुराने होंगे, और ऊपर से पत्थर आके लाइक ऐसे पूरा इकट्ठा हो गया है। बाकी ये तो ग्लेशियर है ही, और ये भी ग्लेशियर है, वो भी ग्लेशियर है, कितने पुराने पुराने होंगे और इतने बड़े बड़े। अरे पार, और वो नीचे पार्वती कुंड चलते ऊपर। अरे देखो गाइस वहाँ से लोग चढ़ रहे हैं। अरे वहाँ गया ऊपर, देखो भाई कैसे रास्ता है, यहाँ से तो ठीक है थोड़ा बहुत। कितना भयंकर रास्ता है, बस पत्थरों से आने को है, और लोग ऊपर से आ रहे हैं उधर से। मेरा दोस्त बेचारा वहाँ से आ रहा है, और यहाँ देखो ऊपर बिल्कुल खड़ी भाई। यहाँ आके पता चला, मेरे को लगा था कि हो जाएगा, अब तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब हिम्मत तो नहीं हारना भाई, जाना तो है, मतलब बहुत मुश्किल है माँ के सम, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्या ही बताऊँ मैं। ऐसी फीलिंग है ना, फ़ोन में ऐसे बता के भी वो जाहिर नहीं हो सकती है, जो फीलिंग है भाई अंदर ही है वो। अब थोड़ी ही पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बोलते आधा घंटा। जय बोले बस, सही तो बोला आधा घंटा लग जाएगा सही में। बट हाँ जितना ऊपर आ रहे हैं ना, मतलब एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि ऊपर भी कैसे जाए, अच्छा तो लग रहा है। बट वैसे ही है, पाँव ने तो बोल दिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बट फिर भी ज़बरदस्ती चल ही रहे। ठीक है फिर मिलते हैं आगे, मिलते हैं अब डायरेक्ट। बहुत व्लॉग भी कर लिया अब तो, सच में हाथ में भी दर्द हो रहा है व्लॉग करते हुए। दोस्तों ये है रिपा विलेज, रिपा रिपा रारंग। हाँ
ये रारंग। जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव। हो गए, हम देख सकते रस्सी लगाई ऐसे क्योंकि बहुत ही भयंकर है, नीचे पूरा खाई है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, सबको सद्बुद्धि देना शिव शंकर, सबकी रक्षा करना, सब कष्ट हरना। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। पहुंच गए, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह खींचेंगे और फिर चल पड़ेंगे। देख सकते हैं आप, ये है पार नीचे को, अरे बा हर महादेव। दोस्तों पहुंच गए किन्नर के लश, पूजा पाठ भी हो चुका है, अब थोड़ी बहुत फोटोज खींचते हैं फिर चले जाएंगे वापस। हम यात्रा करके वापस जा रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं पार्वती कुंड। और हम वापस जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कैसे कैसे रास्ते हैं। ग्लेशियर बहुत दिखा दिया यार, जा रहे हैं गणेश पार्क उधर। तो यहाँ देखो आप चढ़ाई, ये 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 वो ऊपर वहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और गिर गए तो नीचे खाई बिल्कुल। खत्म दोस्तों, मैं पहुँचने वाला हूँ गणेश पार्क और अभी देख सकते हैं नीचे कितना खतरनाक रास्ता है ना, वीडियो भी नहीं बना सकता। अगर स्लिप हो गए गिर गए तो सीधे ख़त्म। तो सच में दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, कसम से ऐसे व्लॉगिंग करने को भी डर लग रहा है, पता है व्लॉगिंग करने को भी डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि फ़ोन गिर गया हाथ से। हाँ बट ये यहाँ तक की जो हाइट जैसी है ना वहाँ तक थोड़ा भयंकर है, उसके बाद वहाँ से नीचे ठीक है, फिर वहाँ से नीचे एक दो पॉइंट और फिर से आते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों तो कुछ इस तरह से रही हमारी किन्नौर कैलाश की यात्रा। हमने आखिर तक हार नहीं मानी, हम आखिर तक गए, हमने शिवलिंग के दर्शन करे। मतलब आप ये मानोगे, मैंने ये 13 मिनट के वीडियो के अंदर हमारे पूरे एक तरह से दो दिन, मतलब 16 से 17 घंटे की जो ट्रैकिंग रही है, यात्रा रही है, उसको सिर्फ 13 मिनट में दिखाया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीच में कोई ऐसी स्पॉट्स हो सकती है, बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है जिसके बारे में मैं बता नहीं पाया, मैं वीडियो तक नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से फ़ोन ना गिर जाए, कहीं मैं ना गिर जाऊँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे बस मुझे लगा कि हाँ, मुझे जहाँ थोड़ी थोड़ी वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बना दी और उसको एक ब्लॉग की तरह मैंने एडिट करके शेयर कर दिया, जो आप लोग देख रहे हैं। हम सुबह वहाँ पे 8 या 8:30 बजे के करीब पहुँचे, हम वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक रुके हैं। तो हम ज़्यादा तो रुकना चाहते थे लेकिन हम ज़्यादा रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमको वापस भी जाना था, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम था, जिस वजह से ना हमारे सिर में दर्द हो रही थी, हमें नींद आ रही थी, हमारे ना पलके भी लगे ऐसे हो रही थी, बिल्कुल ऐसे आँखें बंद हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ा लग रहा था कि हम सांस जल्दी जल्दी ले रहे, तो सिर में भी दर्द हो रही थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी नीचे आए। फिर गणेश पार्क में आके हमने लंच करा 3-4 बजे और फिर वहाँ से निकले। फिर हमको मतलब मैक्सिमम को नीचे आते आते हमको 6 से 7 घंटे लग गए और हम घर पहुँच गए आराम से। तो कुछ इस तरह से था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जैसे कि सभी बोलते हैं ना, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, तो आगे से आगे शेयर करें। हाँ, अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, लाइक कमेंट पूरा करें, दुबागे करें, मेरे YouTube चैनल को फॉलो ज़रूर करें। Thank you so much for watching. Bye-bye.